बीते कुछ महीने एक्टर कार्तिक आर्यन के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। पहले तो उन्हें फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर किया गया और फिर धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। अब खबर है कि इसके बाद कार्तिक के हाथ से एक और फिल्म निकल गई है। दरअसल करण जौहर ने अपनी जिस अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की घोषणा की है, उसमें पहले कार्तिक आर्यन होने वाले थे, लेकिन बाद में दोस्ताना 2 के साथ साथ इस फिल्म से भी कार्तिक का पत्ता काट दिया गया। दरअसल दोस्ताना 2 करीब 60% शूट हो चुकी थी और फिर कार्तिक को फिल्म से बाहर किया गया, जिससे मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ। बाद में पता चला कि कार्तिक ने जानवी से लड़ाई के चलते फिल्म से दूरी बनाई थी। इसका खामियाजा कार्तिक को एक और फिल्म से हटकर भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि जानवी कपूर से विवाद होने के बाद कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। जानवी और कार्तिक के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जनवरी के महीने में दोनों अचानक एक दूसरे से अलग हो गए। कार्तिक और जानवी के विवाद का असर फिल्म की शूटिंग पर पड़ने लगा। इसके बाद करण जौहर ने फैसला किया कि कार्तिक आर्यन को इस फिल्म में नहीं रखा जाएगा। अब मिस्टर एंड मिसेस माही ने जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इससे पहले ये जोड़ी फिल्म रूही में देखने को मिली थी, जिसे लोगों का भरपूर प्यार भी मिला था।